Tribal volunteers. Mizoram. Mizoram. All right. We may never be. Ever. When they already separated us and kicked us out, why are they holding on now? Why? I'll tell you why. I'll tell you why. The only thing that we ran out that day was our life. Now they want to take that life also by calling us back in the valley. We are not going back to our killer. We are not going back to his rapists. They are the ones who are inflicting us. Now the country is more worried about the video. They are not worried about why that video happened. It happened as a turnover. The whole country, the whole media is more worried, more interested about this video that went viral. On the town, when this happened, had the chief minister been violent, this year would have happened. Olivia and Florence were back out. Police escorted in the police van. The police released them to be raped and killed. Total failure of Manipur government. Total failure of chief minister. Total failure of Manipur police. How come they release them to be molested, to be raped in front of the public? How come the women make the women Mera Baibi give them to the young boys to be raped and molested? But this is not the only molestation that happened. There's so many other incidents. My brother and sister, can we all stand together? We're going to shout. During in that day, 21 लोगों को हमारे बेटियों की रेप हुआ है ट्राइबल एरिया में. ये क्यों हुआ है? क्योंकि 2004 in 2004 ये हमारा इंडियन आर्मी का ऑपरेशन हुआ है, ऑल क्लियर ऑपरेशन, ऑल क्लियर. क्योंकि वहां पर इतना भी मेटे टेररिस्ट है और मेटे मिलिटेंट्स है, चांदेल डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन हुआ है, इसलिए वो वैली एरिया से ट्राइबल एरिया में चला गया है. वहां पर हमारे इनोसेंट ट्राइबल लोगों को वहां पर उन्होंने बहुत अच्छी तरह, बहुत बुरी तरीके से, कोई किसी की मार हुआ है, कोई किसी की रेप हुआ है. आज 21 लोगों को, ये पहली बार नहीं है कि मेटे मिलिटेंट्स और मेटे जो मिसग्रेंट्स लोग ने हमारे बेटियों पर,
उनकी इज्जत लूटा है, पहली बार नहीं है, ये 100 साल से चल रहा है। इसलिए आज हम ये कहने चाहते हैं उन सब मेटे लोगों के साथ, उन सब लायर के साथ, उन सब जानवरों के साथ हम नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए ही चाहिए। वी वांट सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। अनलेस एंड अंटिल देयर इज सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, देयर कैन बी नो पीस बिटवीन द कुकी, मार, मिजो, जौमी, उनाव ट्राइब्स एंड द मेटे पीपल। जो हमें नफरत करते हैं, जो हमें नहीं चाहते हैं कि हम उनके साथ रहे, हम अपने ट्राइबल अपने हिल एरिया में रहेंगे, वो अपना वैली एरिया में रहे, हम खुशी से रहेंगे। हमारा पीएम मोदी से हमारा निवेदन है कि चुप रहने से जल्द हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दीजिए, नहीं तो फ्यूचर में और भी मेटे मिलिटेंट्स का मौत भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग हमारे ट्राइबल एरिया में आते हैं। आप यहाँ तक जानिए, इतना भी मेटे मिलिटेंट्स का मौत हुआ है, कोई भी वैली में नहीं हुआ है, वो ट्राइबल एरिया में हुआ है, क्योंकि वो लोग आते हैं हमारे गांवों को जलाने के लिए, हमारे बेटियों की इज्जत लूटने के लिए, हम लोगों को मार डालने के लिए, हमारे विलेज वॉलंटियर्स लोग ने उनको हमला किया है। इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि अभी तक लगभग 200 गांव जल चुका है, लगभग 117 लोगों की मौत हो चुका है, लगभग 360 चार्च एंड चर्च क्वार्टर्स को चला चुका है, और लगभग 80,000 लोगों की डिस्प्लेस हो चुका है। इन मिजोरम अलोन देयर आर अबाउट 12,500 डिस्प्लेस पीपल। थैंक्स टू द मिजोरम गवर्नमेंट, थैंक्स टू द मिजो पीपल फॉर योर हेल्पिंग हैंड। थैंक यू वेरी वेरी मच। आई वुड लाइक टू से वन मोर थिंग। ड्यूरिंग द ऑपरेशन इन 2006 इन द ट्राइबल एरिया, नाउ इट इज कॉल्ड फेरसोल डिस्ट्रिक्ट, ड्यूरिंग दैट टाइम वन ऑफ अवर आर्मी ल्यूटेनेंट कर्नल बख्शी वॉज मार्टिर ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन। सो आई वुड लाइक ऑल द इंडियंस, मैं चाहती हूँ पूरी भारत ये जाने, जो मेटे मिलिटेंट्स जो है, आज पहली बार उन्होंने हमारे साथ हमला नहीं किया है, बरसों से, मोर देन 20 इयर्स बिफोर से ये हमला चल रहा है कि वो लोग हमारे साथ ऐसे खिलौने हटकर खिलौने कर रहा है कि हमारे बेटियों के साथ इसी तरह कर रहा है। अभी पीछे जो लांगजा में क्या हुआ, लांगजा विलेज में हमारे बेटा डेविड का इतना बेरहमी से मारा गया है, उनका सिर काटा है, उनको तांगा गया है, उनकी पूरी शरीर को चौक किया गया है, और इसी तरह बेरहमी से जानवर भी ऐसे नहीं करते। दे आर मोर देन एनिमल्स, दे आर मोर वर्स देन एनिमल्स। सो वी कैन नॉट स्टे टुगेदर विद द बीस्ट, द मेटिंग लायन, वी कैन नॉट स्टे टुगेदर। वी वांट अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन एज सून एज पॉसिबल, अनलेस एंड अंटिल वी गॉट जस्टिस फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर, आवर सन्स एंड डॉटर्स। वी विल फाइट टिल आवर लास्ट ब्रेथ, जब तक हम सांस हमारे सांस है, हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे, हमारे बेटियों के लिए, हमारे बेटाओं के लिए, हमारे भाइयों के लिए, हमारे बहनों के लिए, जिसने अपने घर खोया, जिसने अपने पति को खोया, जिसने अपने बेटियों को खोया, जिसने अपने इज्जत को खोया, उनके लिए हम लड़ेंगे। जब तक जस्टिस ना मिलेगा हम लड़ेंगे, और जब तक हम सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, जब तक हमारे सांसें, जब तक हम लड़ेंगे। हमारा पीएम आज तक इतना सब कुछ होने के बावजूद भी चुप रहा, सीएम बीएम चुप रहा, मोदी जी चुप रहा, हमारे होम मिनिस्टर चुप रहा, क्यों? क्योंकि मणिपुर एक बीजेपी सरकार है, क्योंकि वो डरता है अपना बीजेपी सरकार गिर जाए, सिर्फ उसी के लिए। इतना लोग मरने के बाद भी वो चुप रहा, इतना स्वार्थी, सेल्फिश, सेल्फिश पीएम, शेम टू यू, सेल्फिश पीएम, सेल्फिश सीएम बीरेन सिंह, सेल्फिश मोदी, सिर्फ और सिर्फ वो अपने पार्टी को बचाने के लिए हमारे बेटियों का इज्जत लूट रहा है, नंगे घुमाया गया है, अपने घर की बच्चों को नंगे घुमा रहा है, अपना बेटियों को, लेकिन उसको शर्म नहीं, विदेश में जाकर भाषण दे रहा है, शर्म नहीं है हमारा पीएम मोदी को, अपने घर में इतना सब कुछ होने के बाद अब्रोड में जाकर भाषण दे रहा है, उसको पीएम कहने का लायक नहीं है। ऐसे पीएम होने से तो भारत में हम बिना पीएम में रहना
करना ज्यादा अच्छा है। जो अपने घर को की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, दूसरी घर की प्रॉब्लम को कहां सॉल्व करेगा। इसलिए आज मैं कहना चाहती हूँ पूरी भारत से, पूरी हमारे भारत निवासियों से मैं विनती करना चाहूंगी, जब तक हम हमारे साथ से हम लड़ेंगे जस्टिस के लिए और सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हम लड़ेंगे। कलो भी जय हिंद। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग द एट्रोसिटीज।